नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, हम आए हुए हैं आरआरबी कोलकाता में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आरआरबी कोलकाता का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों डीवी चल रही है भी आरआरबी जेई वालों की। दोस्तों, फिलहाल तो डीवी चल रही है, कुछ बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने रिव्यू दिया है, वो हम आपको चैनल पर जरूर दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट सेशन यानी कि 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है डीवी, तो अभी उनकी एंट्री मिली नहीं है, उनको एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट जो है दोस्तों, अभी तक उसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगभग सभी ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है, तो हम उनसे उनके बारे में बात करेंगे कि वो कितनी तत्परता से एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है या बाद में करेंगे, तो वो जानकारी हम जरा सा देखेंगे कि उन लोग के मन में क्या है, किस तरह से वो लोग वेट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, और क्या किन्हें किसी को भी कुछ नॉलेज है कि आरआरबी एनटीपीसी कब होगा और उसका डेट कब क्या हो सकता है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है बता दीजिए, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है, आपने एनटीपीसी का एग्जाम भरा है? हाँ। हाँ? कब भरा था? जब फॉर्म फिल हुआ था। फॉर्म आया तो वेट हो रहा है उसका एग्जाम का कि नहीं हो रहा? उसका नहीं हो रहा। आप नहीं कर रहे वेट? नहीं। क्यों? जेई में हो गया तो क्या हो गया, तो उसमें नहीं जाना है? नहीं जाना है। तो आपको कोई भी मतलब ये नहीं है कि कब होगा नहीं होगा? नहीं, मेरा कुछ मतलब। अच्छा, अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम दोगे कि नहीं? एग्जाम होगा तो एग्जाम तो दे लेंगे। दे लेंगे हाँ, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं? हाँ, उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए, इसके बाद जेई आपको करना है आगे कोई? नहीं, आगे आरपीएससी ही करना है। आरपीएससी ही करना है। हाँ। यानी कि राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। अपना नाम बताइए। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मीणा। कहाँ से हैं? दौसा से, राजस्थान। कोटा? दौसा। दौसा। अच्छा, दौसा जी। आपने एनटीपीसी का एग्जाम भरा? हाँ। और उसका वेट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग चुके हैं जेई में। जेई में लग चुके हैं तो यही रहना है, मतलब स्किप नहीं करना? नहीं, आरपीएससी की कर रहे हैं। आरपीएससी करना है। हाँ। लेकिन मतलब कि एनटीपीसी का वेट नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जेई से पहले जब एग्जाम का आपका फाइनल नहीं आया तो वेट कर रहे थे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कर, नहीं कर रहे थे। आपको पक्का था कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आरपीएससी के लिए। थैंक यू। एनटीपीसी का फॉर्म भरा? भरा भैया। नाम क्या है आपका बताइए? आकाश कुमार। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ। हैं। तो एनटीपीसी का एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि कब एग्जाम होगा नहीं होगा? अभी तक तो रेलवे का कोई आइडिया नहीं लग रहा कि वो एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम हो गया फॉर्म भरे। दिसंबर से नवंबर में होना था, दिसंबर हो गया, जनवरी आने वाला है, तो आई थिंक जनवरी तक फरवरी में होगा, हो जाना चाहिए। तो उसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रखे हैं या वेट कर रहे हैं एग्जाम का? नहीं, मैं जेई का CBT 2 दिया था। हाँ। मैं आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा था, अभी मेरा एसएससी का मेंस है। हाँ। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं। हाँ। बाकी और तो बाकी हाँ, टेक्निकल में हूं मैं। टेक्निकल एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी में अगर हो जाएगा तो आप जाओगे? नहीं नहीं, मैं टेक्निकल में ज़्यादा प्रिपरेशन में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम वगैरह प्रिपेयर जो है, आपने जेई का प्रिपरेशन कैसे की थी? जेई की प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, कोचिंग मैंने पहले कर लिया था। पहले कर लिया से कोचिंग करते। तो कितना टाइम आपने खुद सेल्फ स्टडी के लिए दिया? तकरीबन जब से वैकेंसी ऐसी तब से लग रहा था। वैकेंसी पहले नॉन टेक्निकल पढ़ रहे थे, नॉन टेक्निकल के बाद सब टेक्निकल पढ़ने लगे। अच्छा, अभी तो जेई हो गया है तो फिर आप क्यों एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं? नहीं, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ ना। अच्छा, तब तक एग्जाम तो देना, फॉर्म भरा है तो पढ़। लेकिन अगर फाइनल हो जाएगा तो फिर उतना टेंशन नहीं? हाँ, इतना टेंशन नहीं रहेगा, फिर भी पढ़ाई तो करेंगे लेकिन इतना टेंशन नहीं। अच्छा, आपको जैसे कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोलकाता, जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि नवंबर के एंड तक में डेट फिक्स हो जाएगा, तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है आरआरबी जेई में तो फिर भी आप एग्जाम दोगे? हाँ, एग्जाम तो देंगे। एग्जाम दोगे मतलब? नहीं नहीं, एनटीपीसी की प्रिपरेशन भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि एनटीपीसी के ग्रेजुएशन से भरा हुआ फॉर्म तो अच्छे अच्छे पोस्ट हुई तो करेंगे। अच्छा, मतलब आपने अभी जो जेई का लिया है वो अपने डिप्लोमा के बेसिस पे लिया? हाँ, डिप्लोमा के बेसिस। डिप्लोमा के बेसिस पे। अच्छा, और आपका फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट है? फ्यूचर में एक्सपेक्ट तो यही है कि डिग्री कंप्लीट हुआ है तो इस हिसाब से चलेगा। नहीं मतलब कोई एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आरपीएससी के बारे में बता रहे हैं कि वो आरपीएससी के लिए जाएंगे, तो आप भी क्या आरपीएससी आप? नहीं, मैंने आरपीएससी अप्लाई नहीं किया क्योंकि उस टाइम मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। डिग्री नहीं हुई थी तो अभी मतलब अभी आपका कुछ ऐसा नहीं है? आरपीएससी में तो यही का तो मेरा है नहीं, बाकी मेरा एसएससी मेंस की प्रिपरेशन में कर रहा हूँ एसएससी, क्योंकि अभी मेरी प्री का रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर मतलब मान लो कि जैसे यहाँ पे भी जेई में हो गया और एसएससी जेई की बात कर रहे हैं आप, एसएससी, तो आप एसएससी जेई में जाना ज़्यादा प्रेफर करें? हाँ, वो तो थोड़ा अगर अच्छी पोस्ट मिलती है वहाँ पे CBW जैसा तो कुछ जाने का प्रिपेयर। अच्छा, प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए कि आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जेई में आपका हो गया और आप इससे पहले भी नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे,
नॉन टेक्निकल इसका पहला सीबीटी वन हुआ था, वो नॉन टेक्निकल हुआ था, उसके लिए प्रिपरेशन किया था। हाँ, तो वही था नॉन टेक्निकल स्पेशली। एक बात बताइए, जैसे कि आपने क्वालिफाई कर लिया और काफ़ी सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आप कोई डिफरेंस जान पाते हैं कि क्या डिफरेंस रह गया? डिफरेंस तो यही होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देने चाहिए, क्योंकि स्पीड नहीं बन पाती काफ़ी लोगों की। तो मेरे साथ भी पहले जब एग्जाम देता था मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता था, फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहा, तो थोड़ा अच्छा रहता है कि ज़्यादा पुराने पेपर्स को प्रिपेयर करें और टेस्ट सीरीज देते रहें। मॉक टेस्ट आपने दिया था काफ़ी? मॉक टेस्ट देते हैं। इतने मॉक टेस्ट आपने फिर भी दिए होंगे इस प्रिपरेशन के दौरान? सीबीटी टू के लिए तो मैंने काफ़ी दिए, तकरीबन 50 के समथिंग दे दिए, क्योंकि मैं शुरू से देने लग गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया था पहले। पहले तो मन नहीं करता था कि पढ़ता था पेपर, मार्क्स आते होंगे फिर अच्छा लगने लगा, फिर बाद में अच्छा लगने लगा। लेकिन सीबीटी वन से पहले मैंने ज़्यादा देता नहीं था, उस टाइम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिए होंगे अप्रॉक्स, इतना ही दे रहे बस इतना ही दिया। लेकिन सीबीटी टू के बाद मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने बहुत सारे दिए। तो ऐसा कोई प्रेफर्ड बताना चाहेंगे जो मॉक टेस्ट आप दिया करते थे जो कि आपको अच्छा लगा? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं लगभग सारे ही मॉक टेस्ट देता था, जो भी मेरे को अच्छा लगे, जो कोई बताता है किसी फ्रेंड का, मैंने कोई सब्सक्राइब करा है, किसी और ने कोई और किसी और का ले रखा है, जैसे कि होता है ना कि अपना अपना लेना पड़ता है, प्राइम लेना पड़ता है, तो उस तरह का प्राइम ले लेते थे। अच्छा, मतलब दोस्त वाला वो देते नहीं, काफी लोग नहीं देते, तो उनका यार तूने ले लिया तो मैं दे लेता हूँ, तो ऐसे दे लेते थे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक एक वेबसाइट के मॉक पे बेस्ड ना रहे, जितना ट्राई कर सकते हैं अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बंदा सब कुछ सफिशिएंट करवा देगा, और काफी लोगों के अपने अपने थिंक होते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा वेबसाइट का मॉक टेस्ट ज्यादा आपका सिमिलर हो जाए। बिल्कुल सिमिलर भी ऐसा भी नहीं होता, सीबीटी टू में ऐसा भी हुआ था, मैं एक बुक पढ़ रहा था एग्जाम देने पे, और उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो मेरे एग्जाम में भी आ गया, यार ये थोड़ा अच्छा लगा, कई बार हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगला एग्जाम में भी उससे आ जाए, जरूरी नहीं है, कभी नहीं होता, जरूरी थोड़ी एक ही चीज थोड़ी ना पकड़ के बैठ जाते। मॉक टेस्ट से आपको एक्चुअली क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, जैसे जैसे मार्क्स आते हैं, शुरू में ऐसा लगता है यार बहुत कम मार्क्स आए, क्या जब मैं सीबीटी टू का प्रिपरेशन कर रहा था, शुरू में मेरे एक दो बार 50 ही आए, अच्छा। मैं यार बहुत हार्ड था, क्योंकि पता नहीं मैंने कौन सी टेस्ट दी, उसमें बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, फिर धीरे 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 लगा तो वो उसके क्वेश्चंस भी रिपीट होते थे, मार्क्स बढ़ते थे, फिर और चीज़ों में भी जिन चीज़ों में लगता था कि यार इस सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इस सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट करने के बाद मार्क्स आने लग गए। तो मतलब आप कुल मिला के ये बोलना चाहते हो कि मॉक टेस्ट देने के बाद जितना भी नॉलेज रहता है वो उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि यार ये तो नहीं कि सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो आप पहले से ही मॉक टेस्ट दिया करते थे या अभी जेई का जब मतलब आपका सीबीटी वन का सीबीटी वन के सिलेक्शन के बाद ज्यादा, सीबीटी वन से पहले भी मैं मतलब सीबीटी वन के लिए दिए थे मैंने, सीबीटी टू के बाद सीबीटी वन के बाद ज्यादा देने लग गया, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि यार ये थोड़ा अच्छा चीज है। अभी मतलब आप जैसे बोल रहे हैं एनटीपीसी की प्रिपरेशन करोगे, तो अभी यहाँ डीवी में आने से पहले आप प्रिपेयर कर रहे थे किसी चीज़ के लिए? नहीं, मैं अभी मेरा एसएससी का जेई का जो सीबीटी वन हुआ था वो दिया था मैंने, उसके बाद उसके लिए उसके आंसर की आई, तो उसके बाद मार्क्स वगैरह के लिए सीबीटी टू का कर रहा हूँ। अच्छा, और एसएससी जेई का मेंस का आपका तैयारी कैसा चल रहा है? एसएससी जेई मेंस का मेरा थोड़ा सही चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा इसके जब से इसका रिजल्ट आया था उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करे, कुछ एक दो चीज़ों में थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रही थी, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाया और ये सब करके मतलब यहाँ आना, इसके टिकट्स वगैरह, तो थोड़ा सा वैसा हेजिटेशन था, इसके लिए टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ था। मतलब ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेंसी हो रही है, थोड़ा सा ईजी आप रख दिए हो कि आपका जेई में हो ही गया है, तो उतना आप मेहनत नहीं कर रहे हो मेंस में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक फाइनल नहीं होगा तो ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, मतलब आप सोच के रखे हो कि जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक मैं लगे रहना है, लगे ऐसा रहना तो कुछ नहीं है कि छोड़ तो देना नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि जेई मिल आने के बाद अपन को ये कि सफिशिएंट है जेई हो गया तो इसके बाद कुछ नहीं करना, आगे भी प्रिपरेशन करते रहना, प्रिपरेशन करना है। अच्छा, एसएससी जो मेंस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का, तो उसमें कुछ डिफरेंस आप कुछ अप्लाई कर रहे हो सीबीटी टू के लिए जो कि अपने आरआरबी जेई के लिए किया था, या सेम है? नहीं नहीं, सेम तो क्या, आरआरबी जेई का सीबीटी टू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हुआ था, और इसका तो सब्जेक्टिव होगा ना, तो सब्जेक्टिव के लिए तो अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है, सब कुछ सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स होता है, लेवल अलग होता है वहाँ पे, तो ऐसे करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर कोई एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसको आप क्या बताना चाहोगे कि किस तरह से करें और क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं? मैं तो मेरा ये बता सकता हूँ कि मैं जिस तरह से करता हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कि जो पुराने पेपर्स भी किए हैं, और जैसे कि हमारे पास जितने भी स्टडी मटेरियल से बुक्स हैं उनके क्वेश्चन कर रहे हैं, और पुराने पेपर्स भी कर ही लिए हैं, तो इस ऐसी चीज़ें ईएस में अभी आरपीएससी में भी के लिए भी लोग भर रहे हैं, तो वो उनके जो नोट्स वगैरह हैं उनके क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, तो ऐसा रहता है कि यार करते रहना है उनके लिए, तो अलग से क्या है, वो ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे, उनसे हमसे ज़्यादा ही जाते हैं ज़्यादातर लोगों के, तो जिस दिन होगा उनका अपना अपना एफर्ट है। तो अच्छा, एक ये चीज़ बताइए, जैसे कि बच्चे मुझे बहुत जैसे कि बच्चे रहते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते, जैसे कि पहला तो अगर मान लो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनिंग लेवल पे, तो वो थ्योरी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो वो कब डिसाइड नहीं कर पाते कि कब से हमें मॉक टेस्ट देना है या कब नहीं, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल वो मॉक टेस्ट देने लगे, अब उसके इतने मार्क्स कम आ जाते हैं कि वो डिमोरलाइज हो जाता है, उनको लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो फिर से बैक चले
चले जाते हैं और ऐसे जाते जाते टाइम काफी बीत जाता है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरा थ्योरी अब हो चुका है, अब मुझे मॉक में कम भी आ रहे हैं लेकिन मेरा हो चुका है तो मुझे आगे ही बढ़ते रहना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं शुरू में ऐसा लगा था कि यार अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चंस तो ऐसे चीज होते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम मॉक देते हैं। पर जब मैंने सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में जब आया मैं, तो शुरू में मैंने लगा कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके मैं क्वेश्चंस कर ही नहीं पाता था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार इन सब्जेक्ट्स को भी पेपर पहले पढ़ते रहते हैं और मॉक टेस्ट देते रहते हैं। अच्छा, कई टेस्ट सीरीज ऐसी भी होती हैं जो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पैरेलल अपने टेस्ट रखती हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा पहले तो उनके टेस्ट देते रहो कंप्लीट, वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा। लेकिन जिसमें नहीं आता है तो उसके टेस्ट भी दे लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके टेस्ट के जैसे क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से फिर अपना स्टडी करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि यार इस टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे बन सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट में उस तरह का उनको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा वो रहता है कि हाँ अब लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है धीरे 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 धीरे। तो मतलब ये कुल मिला के कि तैयारी भी करते रहे साथ साथ मॉक जरूर देते रहे। मेरा तो यही मानना है कि मॉक टेस्ट बहुत देते रहे, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ और है, जैसे आप अभी रेलवे के एम्प्लॉय बनने वाले हैं और हम ऊपर वाले से मनाते भी कि जरूर से जरूर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बहुत सुनने में आ रहा है अभी न्यूज़ में कि रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप एज ए एम्प्लॉय आपको कुछ घबराहट है या नहीं है, क्या आपका इसका नहीं? जो प्राइवेटाइजेशन है तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि पहले ही तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत है ना, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो हो सकता है कि उनका प्राइवेट उससे कि प्राइवेट तरीके से वैकेंसीज रखेंगे। अच्छा। लेकिन लोगों का यह रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए बहुत अच्छा सब कुछ रहता है, तो प्राइवेटाइजेशन ऐसा लगता है कि कुछ कंपनियां क्या करते हैं जैसे कि एक अलग तरीके से हो जाता है कि भर्तियां लेने का उनका अलग तरीका है, बच्चों ने बच्चे तो 10-10 साल से जो बेरोजगार बैठे हैं प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं काफ़ी लोग, तो अब अचानक से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर उनका क्या होगा, मतलब वो उनकी पढ़ाई का क्या हुआ जो 10 साल तक कर रहे हैं? अब किसी ने वो लोग जिंदगी रहती है कि हमें सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी जैसे मैंने जेई का तैयारी करी और जो अभी मैं रह गया या फिर कोई और रह गया और आगे से जेई की वैकेंसी आई नहीं, तो उसने 3-4 साल जेई के लिए प्रिपरेशन करी फिर उसको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ी, वो ये सोच के सोच रहा था कि यार मुझे प्राइवेट नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब करनी है, और फिर अचानक से प्राइवेट, अब वो सोचे कि यार अब तो सरकारी नौकरी आएगी नहीं तो मुझे प्राइवेट ही करनी है, तो उसको बहुत दुख होगा यार 4 साल में तो मैं बहुत आगे निकल जाता प्राइवेट में, तो प्राइवेटाइजेशन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक नहीं है, इस बेसिस पे ठीक नहीं है, इस पे ठीक नहीं है, और कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी कुछ अपना फंडा हो कि उनके लिए उनको लगता हो प्रॉफिट है तो फिर उनका अलग है, अपन इतना लेवल। आप पूरी तरह से गलत नहीं बोल रहे हो लेकिन स्टूडेंट बेसिस पे आप इसे गलत मान रहे हो, लेकिन हो सकता है कि रेलवे के लिए ये फायदेमंद। रेलवे के लिए मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये फायदे में है पूरा, क्योंकि मुझे इतना इस सब चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि हो सकता है कि ओवरऑल रेलवे को फायदा हो सकता है बच्चों को भी फायदा हो, लेकिन अभी बताया नहीं जा सकता कि अब उन्होंने क्या सोच के रखा है, क्योंकि पूरा निकल के नहीं आया फंडा कि किस तरह से करना चाह रहे हैं या एक एक कर रहे हैं, ऐसे कि एक दो स्टेशन को 150 स्टेशन हो गए कि लोग ऐसे आता है वायरल हो जाता है कि यार इतने स्टेशन बेच दिए गवर्नमेंट ने, तो समझ में नहीं आता कि यार ये क्या चल रहा है अभी। अभी जैसे कि बेचे नहीं है लेकिन हाँ ये चीज़ धीरे धीरे हो रहा है, क्या अभी तेजस एक्सप्रेस निकाल दिए उसी तरह उनका अभी 2 साल में अगले 150 ट्रेनों को प्राइवेट करने का हाँ। हाँ। तो विरोध जैसे कि तेजस का लोगों ने विरोध किया उसके ग्लास मतलब पत्थरबाजी कर दी, हाँ, पत्थरबाजी तो कर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लोग भी मतलब संतुष्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि रेलवे मतलब गवर्नमेंट ने सही सोचा है या गलत, तो अभी सबके बारे में जब कम्प्लीटली सब एज एम्प्लॉय अगर आप बोले तो आपको कोई टेंशन है या नहीं है? टेंशन तो है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो मतलब कि आधे ऐसा रहेगा कि सारा गवर्नमेंट के अंडर में, अगर पहले गवर्नमेंट होंगे तो सारे एम्प्लॉय अपने एक जैसे होंगे और प्राइवेट वाले एम्प्लॉय ऐसे होंगे कि भाई उनका रहेगा, तो कम्युनिकेशन हो सकता है प्रॉपर ना, कम्युनिकेशन भी अच्छा ना हो सकता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में, उन लोगों में ऐसा रहे कि एक दूसरे में भेदभाव जैसे सोचें कि यार ये प्राइवेट वाले लोग हैं उनको ऐसे रखना है या फिर ये गवर्नमेंट वाले हैं तो ऐसे होते हैं। अच्छा। ऐसा कई बार होता है कि प्राइवेट वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट वाले तो कुछ नहीं करते, नौकरी लग गई अभी आराम कर रहे हैं फिर कैसा कर रहे हैं, और प्राइवेट वाले सोचते हैं कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत तो सब जगह है लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। अच्छा, जब आपका जैसे ये फर्स्ट एग्जामिनेशन क्रैक हुआ या इससे पहले भी कोई हुआ? इससे पहले भी हुआ था, मतलब कि एग्जाम्स तो मेरा अभी BSF जेई हुआ था इससे पहले, तो उसमें 2 पेपर थे वो दोनों मेरे क्रैक हुए थे, उसके बाद वो फिजिकल हुआ था तो फिजिकल मेरा प्रॉपर नहीं हुआ था तो मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया था। अच्छा। उससे पहले मैंने फॉर्म भरा था RRB ग्रुप डी का, तो मैंने भरना तो नहीं था, मैं उसकी तैयारी कर रहा था पर लेकिन बहुत लोग सबने भरा था तो मैंने कि यार चलो अपनी बस क्या ज़्यादा एग्जाम्स नहीं दिए थे मेरे को, प्रैक्टिस हो जाता है एक तरह से, इसका भी एग्जाम प्रैक्टिस हो जाएगा, तो मैंने भरा था
तो मेरा क्वालिफाई हुआ था लेकिन फिर उसका भी मेरा फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ था। फिजिकल नहीं हुआ इसीलिए आपको थोड़ा डर लग रहा है? डर नहीं, रीजन ये होता है कि मैंने फिजिकल की कभी प्रिपरेशन करी नहीं। मैं पढ़ाई वो फिजिकल दौड़ वगैरह दौड़ वाला वो मेडिकल की नहीं, मेडिकल की दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि आप ये बोले लेकिन फर्स्ट आप अगर देखा जाए तो प्रॉपर और जो एक अच्छे डेजिग्नेशन पोस्ट के ऊपर आपका हुआ है, तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा CBD2 का तो कैसा आपका माहौल था और घर वालों का कैसा माहौल? घर वालों का माहौल तो ये था कि इतनी बड़ी लीड नहीं थी मुझे, तो ऐसा आंसर की के बाद भी ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या हुआ। फिर कट ऑफ थोड़ी ऐसे नॉर्मल रही, पहले ऐसा लग रहा था, कई बार लोग कह रहे थे कि रेलवे में बहुत थोड़ा ऐसा हुआ है कि कट ऑफ बहुत आ ही जाएंगी लोगों का। हमारे कोलकाता वालों का पेपर लीक हो गया था, अगले दिन व्हाट्सएप भी हुआ था, तो और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यार कुछ सेंटरों का कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है कुछ जगह का कैंसिल भी हुआ था, दोबारा भी हुआ था अगले महीने। तो फिर मुझे लगा कि यार कट ऑफ बढ़ जाएगी, कैंसिल हुआ है, लोगों को एक महीना और मिला है उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे प्रिपेयर करने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत आ ही जाने वाली। लेकिन फिर भी नॉर्मल कट ऑफ रहा और इसमें आया, लीड भी ठीक ठाक नहीं मिली पर अभी तो देखते हैं क्या होता है फाइनल। RRB कोलकाता आपने किस बेसिस पे चुना था? किस बेसिस? दूर थोड़ा पड़ गया? नहीं दूर थोड़ा पड़ गया नहीं, लोग तो चेन्नई भी जाते हैं, चेन्नई से भरते हैं, तो पूरा ऑल इंडिया, इंडिया अपना है, कहीं से भी डालो, जो भी रहता है जॉब का कोई टेंशन नहीं है इधर? नहीं नहीं कोलकाता में कोई जॉब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और जैसे कि उमंग स्टडी के जो भी व्यूवर्स हैं, जो कैंडिडेट्स, जैसे कि बहुत लोगों का एग्जाम लग गया जिनका नहीं हुआ है, तो उनको आप एक थोड़ा सा मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल क्या बोलना चाहेंगे ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो सके? जिन लोगों का मेडिकल या DV है, अभी मेरा भी खुद का भी इस शिफ्ट में, लेकिन जिन लोगों का है ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मली है, DV तो नॉर्मल हो रहा है सबको, जिनका नहीं होता है उनको भी टाइम देना है, अभी जो लोग आए हैं उन्होंने बताया, और मेडिकल भी नॉर्मली होगा कि JEE की पोस्ट पर इतना हैवी नहीं है, जैसे कि ALP में बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, आइज़ में डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल है JEE का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में ज़्यादा लोगों को रखेंगे नहीं, बाकी मेरिट बेसिस रिजल्ट आने वाला है तो सबका हो जाएगा, कैसे निकल। प्रिपरेशन जो कर रहे हैं जिनका जॉब नहीं लग रहा है, बार बार वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए कुछ, आपने कितने साल तैयारी किया, या आप जब डीमोटिवेट होते थे तो आप क्या करते थे? डीमोटिवेट होता था ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई थोड़ा सा एक बार ये होता है कि यार फेल हो गए, कई बार मैं जब BSL फेल हुआ था एक दो दिन तो ऐसा रहता है कि अकेले नहीं रहना, फ्रेंड सर्किल में रह लेना, थोड़ा ज़्यादा नहीं होता नहीं। जितना अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फ्रेंड सर्किल में रहते हैं थोड़ा लोग चिल मारते रहते हैं, थोड़े दोस्त भी ऐसे कॉमेडी थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा रहता है कि अकेले ना रहें, जैसे डीमोटिवेट हो गए उस टाइम, उसके बाद दो तीन दिन रुके हैं कि थोड़ा कि ये नहीं कि तुरंत ही लग गए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दो तीन दिन आराम करें घूमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर अपने प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से स्टडी स्टार्ट करें, तो वो फिर देखते रहते हैं, धीरे धीरे होता है ऐसा हो जाता है। चलिए ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, ऑल द बेस्ट सभी को, और थैंक यू। Thank you, thank you.